तीसरी चिट्ठी यमराज की, यमराज ने कहा तीसरी चिट्ठी मैंने भेजी थी, फिर आंखों से दिखना कम हुआ था। तो पहुंच गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब अभी तो मैंने संसार देखा ही नहीं है, थोड़ा आंखों का ऑपरेशन करवाओ, मेरे नाती पोते बड़े गंदे हैं, मेरे आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, क्या देखना है, पूरा जीवन देख कर मन नहीं भरा, किसे देखना है। सूरदास का नाम सुना है, सूरदास भगवान के भक्त नेत्रहीन थे, जन्म से नेत्रहीन थे, सूरदास के ऊपर राधा जी की कृपा हो गई, राधा जी की कृपा हो गई, राधा जी ने उन्हें आंख दी, और आंख नहीं दी, खुद उनके सामने खड़ी हो गई, सूरदास की आंखें आई और देख रही है राधा रानी सामने, और राधा रानी कहती है तू मेरे ठाकुर के, मेरे कन्हैया के बहुत सुंदर पद गाता है सूर, कुछ वर मांग ले। तो सूरदास क्या कह रहे हैं, जब आंख नहीं थी तो कन्हैया को देखता था, और आंख मिली तो आपको देख लिया, अब जिसने कन्हैया को देख लिया, जिसने राधा रानी को देख लिया, वो और क्या देख, किसे देखो, ये आंखें ले लो वापस ले लो। पर हमारी, हमने कभी जीवन में कन्हैया देखा नहीं, हमने तो मूर्ति देखा पर कन्हैया थोड़ी ना है। कितने लोगों को विश्वास है कि यहां भगवान है, और यहां भगवान है तो फिर परेशान क्यों, भगवान है तो फिक्र क्यों करें, और नहीं है तो जिक्र क्यों करें। तो बस रहो, जो है ही नहीं वो, और अगर है हम उसे देख रहे हैं, किसको देखना है। अरे नाती को देख लिया, पोते को देख लिया, देख तो लिया ना, नाती पोते ने कितने ने साथ दिया, अब क्या देखना बाकी है, आंखें जाती हैं तो जाएं, पर इसके भीतर जो एक छवि बन जाए श्याम की, राम की, श्याम की, कन्हैया कहो मैया कहो, अब तो भाई सफर की तैयारी है ना, हम बेटिकट रहे या फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हमने, या जनरल का टिकट लिया हमने, स्लीपर का लिया, पर अब तो सफर अंतिम पायदान पे है ना, अब तो गाड़ी मंजिल में पहुंच रही है, अब तो कहीं कुछ कभी भी कोई आ सकती है कि मेरा रिजर्वेशन कहीं हो जाए, अब तो बस सीधे है उतरना है उस मंजिल में। और चौथी आखिरी चिट्ठी, यहां